अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वेज पकोड़े की रेसिपी। हम यहाँ पे सारे वेज पकोड़े बनाएंगे, तो आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और मिर्ची के पकोड़े और साथ में बैंगन के पकोड़े। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और चाय, गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं बारिश के मौसम में। अभी तो हमारे यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आप इस तरीके से पकोड़े बनाए और इंजॉय करें। तो यहाँ पे हमने बैंगन लिए, इसमें से हम दो बैंगन लेंगे। आपके पास अगर बड़ी साइज के बैंगन है तो वो भी ले सकते हैं। और ये देखिए, हमने ये हरी मिर्च लिए, जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है वो है ये। इसे, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो इसे हम बीच में कट करेंगे, लेकिन हमें इसमें बीच में इस तरीके से कट्स लगा लेने छुरी से, ताकि हम जब मिर्ची के पकौड़े जो फ्राई करेंगे तो वो फटेंगे नहीं। वरना अगर आप पकी मिर्ची रखेंगे पूरी तो ऑयल में जाते ही वो फट सकते, इसलिए इस पे इस तरह से कट लगा ले। और आपको चाहे तो इसमें मसाला लगाना चाहते मिर्ची पे तो वो भी लगा सकते, लेकिन हम इसी तरह से सिंपल रखेंगे इसे, सिर्फ कट करेंगे। और हमने साथ में हमने यहाँ पे दो बैंगन लिए, तो बैंगन को भी अभी हम कट करेंगे। तो हम बैंगन को इस तरीके से कट करेंगे। बैंगन कट होने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हमने लाल मसाला डाला होगा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा, और मिक्स करेंगे। तो साथ में हम यहाँ पे प्याज के भी पकोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने दो प्याज को कट कर लिए, इसमें हम नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, कुटा हुआ धनिया डालेंगे एक चम्मच, हमने आधा आधा चम्मच, हमारे पास छोटी चम्मच है इसलिए हमने आधा आधा करके डाले, और जीरा डालेंगे एक चम्मच, हरी मिर्च डालेंगे, आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। और इसे हमें अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके हम इसे साइड में रखेंगे ताकि हमारी जो प्याज है उसे पानी छोड़ने देंगे। हम प्याज के पकोड़े में हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे बेसन डालने के बाद, इसलिए हम इसे मिक्स करके रखेंगे ताकि प्याज पानी छोड़ दे। तो इस तरीके से आप जो भी प्याज के पकोड़े बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और अभी हम आलू के और जो बैंगन के मिर्ची के जो पकोड़े हैं उसके लिए हमें बैटर बना रहे। तो यहाँ पर हमने बेसन लिया है आधा कप, इसके अंदर हमने थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच नमक डाला है, और थोड़ी सी हमने बेकिंग सोडा डाला है, सोडा पाउडर। और अभी हम इसके अंदर मिर्च पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके इस तरह से गाढ़ा बैटर बना लेंगे इसका, पकौड़े का। और इसके अंदर मिर्ची को इस तरीके से डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। हमें मिर्ची को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाएगी। आप मिर्ची के पकोड़ों को डबल भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी मिर्ची के पकोड़े चाहिए तो अभी हम इसे फ्राई करके निकाल ले, और थोड़ी देर के बाद आप इसे फिर से भी फ्राई कर सकते हैं ताकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। और यहाँ पे हमने आलू को भी कट कर दिया है इस तरीके से। अभी हम मिर्ची के 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। आप
आप इसके अभी हम जब इसे फ्राई कर रहे हैं तो आप इसे फ्राई करने के बाद निकाल ले, फिर थोड़ा सा ठंडा होने दे और इसे कट कर ले और फिर डबल फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी से मिर्ची के पकौड़े बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे इसे हम निकाल लेंगे। अभी हम आलू के पकोड़े फ्राई करेंगे, तो आलू को हमने छील के इस तरह से कट करके पानी में रखा था, तो इसे भी अभी हमने जो बेसन का घोल रेडी किया उसमें डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। और इसे भी हमें लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से पक जाए। इसे अभी आप 4 से 5 मिनट लग सकते दोनों साइड से पकने में। पकौड़ों को आपको अलग पलट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है। लू नेक के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। और अभी हमारे पकौड़े यहाँ पे आलू के भी फ्राई हो चुके हैं, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। बैंगन को जो हमने मसाला लगा के रखा था उसे भी हम हमारा जो बेसन का घोल बना लिया है उसमें डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। इसे आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। तीन से चार मिनट में ये भी फ्राई हो चुके हैं, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। हमने जो प्याज को मिक्स करके रख लिया था उसमें अभी हम हरा धनिया डालेंगे और बेसन डालेंगे और एक चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा डालेंगे और मिक्स करेंगे। दो प्याज के लिए यहाँ पे हमने आधा कप बेसन लिया होगा और मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है। आपको अगर क्रिस्पी पकोड़े चाहिए तो आपको प्याज के पकोड़े में पानी नहीं डालना है, और सॉफ्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका बैटर लेंगे और ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी से हमारे पकौड़े बनेंगे। सारे पकौड़े बहुत ही मज़े के, तो आपको जो पसंद है आप वो बनाइए, आप सारे बना के ट्राई करें। प्याज के पकौड़ों को भी हमें अलग पलट करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही टेस्टी से हमारे प्याज के पकौड़े फ्राई हुए। इसका और बाकी की जो भी है उसे भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे पकौड़े रेडी है। सभी पकौड़े बहुत ही मज़े के बने हैं, आलू के, प्याज के, मिर्ची के और बैंगन के। आप चाहे तो इसे टमाटर केचप के साथ सर्व करिए, आपके पास कोई चटनी है तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं, और गर्मा गर्म चाय के साथ परोस दें। तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही है और हम ज़्यादा करके रोज पकौड़े बना कर फ्राई कर रहे हैं, तो आप भी इस तरीके से ट्राई करें। और आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ इस तरीके से पकौड़े ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अल्लाह हाफिज़।